हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसको हर किसी को सर्दी में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि विंटर आते ही आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो चाहे एक लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बड़े उम्र के लोग हों, ओल्ड एज लोग हों, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम है आपके एड़ियों के फटने की। और ये किन्हीं कारणों से भी हो सकता है, सर्दियों की वजह से हो सकता है, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा पानी में रहते हो, या फिर अपने जो भी पैरों के हैं मॉइस्चराइज अच्छे से नहीं करते हो। गर्मियों में तो ये चल जाता है कि आपने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया और आपकी एड़ियां नहीं फटती, लेकिन सर्दियों में आके ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलती है आपके पैरों के साथ। और अगर आपने लापरवाही बरत दी तो आपके पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, इवन ब्लड तक आने लगता है अगर आपने अपने हेयर्स की सॉरी अपने पैरों की बिल्कुल भी केयर नहीं की है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही क्रीम शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी जो भी क्रीम है, जो मैं क्रीम बताऊंगी, उसको बहुत अच्छे से उस क्रीम के जरिए आप अपने पैरों को मॉइस्चराइज करें। क्रीम मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको आप पूरे सर्दियों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, मतलब इसको आप कैसे भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जितनी भी, क्योंकि आप नॉर्मल आप जो भी मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम अगर आप लेके आते हैं मार्केट में और अगर आप उसे अपने पैरों पे लगाते हैं और 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि आपके पैर फिर उसी तरह ड्राई हो गए, फिर व्हाइट व्हाइट दिखने लगे और एरिया फिर उसी तरह से व्हाइट व्हाइट दिखने लगी, तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हमने कोल्ड क्रीम लगाई लेकिन फिर भी उसको जो है हमारे पैरों को उसने मॉइस्चराइज नहीं किया। आज उसी क्रीम को मैं बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने वाली हूँ कि आपके पैरों को जितना भी मॉइस्चराइजर चाहिए, क्योंकि पैरों की जो स्किन होती है काफी हार्ड होती है, तो वहां के लिए हमें काफी मॉइस्चराइजर चाहिए। और कोल्ड क्रीम में उतना ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं, आपके स्किन के लिए तो वो काफी अच्छा है लेकिन पैरों के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए फुट क्रीम अलग आती है लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सस्ते में कैसे आप घर पे फुट क्रीम बनाएं और अपने पैरों को बहुत ही हेल्दी रखें, सुंदर रखें, कि अगर आप पैजामी पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, एंकल्स पहन रहे हो, मतलब तो कैप्री पहन रहे हो, तो आपके पैर काफी सुंदर लगे, क्योंकि सुंदर पैर आई थिंक आपको अच्छे लगते हैं। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए और सस्पेंस को दूर करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक साफ कंटेनर लेना है जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, ताकि जब आप क्रीम बनाओ तो आपकी क्रीम सालों साल चले। इसके बाद आपको किसी भी कंपनी की कोल्ड क्रीम लेना है जो क्रीमी टेक्चर में हो। ध्यान रखिए, कोल्ड क्रीम ही लेंगे, मतलब ध्यान, बहुत ध्यान से कोल्ड क्रीम आपको ही लेना है। तो यहाँ पे और देखा होगा आपने शॉप्स में डिब्बे में 5-5 रुपए की जो क्रीम आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इस क्रीम का मैं आधे से ज़्यादा पार्ट लूँगी, अगर आप 5-5 रुपए वाले ले रहे हैं तो आप एक साथ 4 डिब्बियों का बना लें। और यहाँ पे मैं इसको जो ये ले रही हूँ, ये मुझे 50 रुपए की मिली थी, तो आधे से ज़्यादा मैं इसे यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून ग्लिसरीन यूज़ डालने वाली हूँ। ग्लिसरीन मैं इसलिए यूज़ करूँगी ताकि वो काफ़ी क्रीमी टेक्चर होता है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपकी स्किन ड्राई स्किन होती है ये उसे मॉइस्चराइज करेगा, बिल्कुल भी ड्राई स्किन होने नहीं देगा फुल डे। अगर आपने एक बार मॉर्निंग में लगा लिया तो बिल्कुल भी पूरे दिन ये आपकी स्किन की उस जगह को ड्राई नहीं होने देगा, एक लेयर बना देगा। इसके बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून गुलाब जल डालूंगी। ये आपकी स्किन को एक फ्लॉलेस लुक देगा, जिस तरह फेस की स्किन को फ्लॉलेस लुक देता है, आपकी वहाँ की स्किन को मुलायम बनाएगा। जिससे कि अगर आप रोज़ जैसे आप अपने फेस को क्लीन करते हैं एक बार में, वैसे ही अगर आप पैर को एक बार में क्लीन करेंगे तो पैर एक बार में क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल भी ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं इसमें विटामिन ई का ऑयल डालूंगी, या जॉनसन बेबी ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी विटामिन ई काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है। और या फिर आप कुछ ना मिलो तो आप विटामिन ई के 4 कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक सारी चीज़ें अच्छे से ना मिल जाएं। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो ये क्रीमी टेक्चर आपको मिलेगा और जो है गुलाब जल एक फ्लॉलेस लुक देगा। विटामिन ई जितनी भी दरारें हैं और जो ग्लिसरीन है, दोनों मिलकर जितनी भी दरारें हैं वहाँ की भरेंगी और जितना भी ड्राइनेस है उसको बहुत तेज़ी से भगाएगा, वहाँ की स्किन को मुलायम करेगा। तो इस तरह से ये जो क्रीम है आपका काम करने वाला है। और आपको कुछ नहीं करना है, रात में पैरों को साफ़ करिए, उसके बाद इस क्रीम को लगा के सो जाइए। देन जैसे आप सुबह नहाते हो, देन एक बार आप इसे लगा लो, आपकी स्किन पूरे जो आपके पैर हैं पूरी सर्दियों में आपको बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसे लगाइए और इन्जॉय करिए।
आपने देखा किस तरह से मैंने मतलब घर की ही चीजों से और सबके पहुंच में जो चीजें होती हैं उसके जरिए ये क्रीम बनाई है। और इस क्रीम को मैं अपने हैंड पे भी यूज करती हूँ ताकि मेरे जो हैंड है उनका भी कलर ना जाए और काफी मॉइस्चराइज रहे, क्योंकि ठंड में अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपके जो हाथ है वो काफी रूखे से हो जाते हैं। तो इस क्रीम को मैं अपने हाथों में, अपने पैरों में मतलब यूज करती हूँ, और मतलब दिन में 2-3 बार तो लगाती हूँ, लेकिन रात में मैं इसे स्पेशली लगा के सोती हूँ। यानी लगाया और जस्ट मतलब बेड पे जो मेरा फाइनल काम हो जाता है, तो बेड पे आके फाइनल काम एक मेरा होता है हाथों में और पैरों में इस क्रीम को लगाना। और तो इस क्रीम को यूज करिएगा और जैसा भी इसका रिव्यू हो मेरे साथ शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।